सो गाइस, ये है वेब डेवलपमेंट सीरीज का वीडियो नंबर 3, जिसमें हम सीखेंगे कि जो हमने डोमेन बाय किया, जो होस्टिंग बाय करी, दोनों को कनेक्ट कैसे करना है और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको सीखना जरूरी है। और गाइस, एक बात का ध्यान रखें, जैसे जैसे अब ये सीरीज आगे बढ़ेगी वैसे वैसे चीज़ें थोड़ी टेक्निकल होती जाएंगी। शायद हो सकता है आपको एक वीडियो दो वीडियो में चीज़ें समझ ना आए, तो गाइस घबराइएगा मत, क्योंकि एक वीडियो या एक दिन में आप वेबसाइट बनाना नहीं सीख सकते। तो जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ बेसिक समझिए इसको, और जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए और बाद में जाके उसको गूगल करिए और अपने लेवल पे और चीजें सीखिए। तो गाइस, ये मत सोचिएगा कि यार ये चीजें मुझसे नहीं बन रही तो मैं ये नहीं करूंगा, ये बहुत कठिन है, ये है वो है। मुझे खुद 1 से 2 साल लगा, सारी चीजें मैंने गूगल से ही सीखी है। कभी भी मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी जो मुझे वेब डेवलपमेंट सिखाए। जो जो चीजें मुझे मिलती जाती थी, एक एक चीजें पकड़ पकड़ के उसको मैं गूगल सर्च करते जाता था। सो गाइस, घुमा फिरा के लोग अगर चांद तक जा सकते हैं तो हमको तो घर बैठ के एक वेबसाइट बनाना है, हमसे क्यों नहीं हो पाएगा। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वॉचिंग सिडटॉक। सो गाइस, हमने डोमेन तो बाय कर लिया था, उसके बाद हमने होस्टिंग भी बाय कर ली थी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने गोडैडी से डोमेन बाय किया और होस्टिंग हमने बिगरॉक से बाय करी थी, उन दोनों को कनेक्ट कैसे करना है। तो देखिए, अपन के पास गोडैडी के पास अपने पास डोमेन है, तो यहाँ पे अपन लॉग इन कर लेंगे, फिर मैनेज डोमेन का ऑप्शन आएगा, वहां पे अपन को जाना है। तो मैनेज डोमेन पे आप जाएंगे तो आपने जो भी डोमेन बाय करे होंगे गोडैडी से, वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो जैसे मैंने sidtalk.in बाय किया है गोडैडी से, उसकी एक्सपायरी यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पे बड़ा बड़ा आएगा यूज माई डोमेन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये गोडैडी आपको 3-4 चीजें बताएगा। जैसे कि पहले बताएगा कि ये लोग इनका खुद एक वेबसाइट डेवलपिंग टूल देते हैं, वो इन्हीं का बाय करके आप इन्हीं के थ्रू आप बना सकते हो। आपको ईमेल आईडी चाहिए आप ही के डोमेन के नाम पे, तो इनको और पैसा देंगे तो होगा। तो जैसे अगर मैं जाता हूँ वेबसाइट बिल्डर पे, तो ये बताएंगे कि भाई 99 पर मंथ आप दोगे तो हम आपको एक वेबसाइट बिल्डर दे देंगे, आपको कोडिंग नहीं करना है, ऑटोमेटिकली उसका यूज करके आप कर पाएंगे। उसी तरह आपको अगर ईमेल आईडी बनाना है तो इनको आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे, और यहां पे जाना पड़ेगा सेटअप एन ईमेल अकाउंट, इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे वो बोलेंगे चार्ज कि आपको ₹50 महीने का देना है और आपका जो ईमेल आईडी है वो आपके डोमेन पे बन जाएगा। बट अगर आपके पास होस्टिंग है तो ये चीज आप होस्टिंग के थ्रू भी कर सकते हो, तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है, आपने सिर्फ डोमेन लिया है, तब इनको ₹50 महीना दोगे तो आपकी एक ईमेल आईडी आप ही के डोमेन के नाम पे बन जाएगी। तो अगर आप गोडैडी से डोमेन खरीदते हैं तो आपको डोमेन के नाम पे क्लिक करना है। जैसे ही नाम पे क्लिक करेंगे तो यहां पे एक पैनल खुलेगा पूरा, जहां से हमारा डोमेन पूरा मैनेज होगा। जैसे ये बताएगा कि मेरा डोमेन जो है 2019 तक है, क्योंकि हमने 2 साल के लिए खरीदा था, ऑटो रिन्यूअल भी इसका ऑन है। उसके नीचे आएंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सो कॉन्टैक्ट डिटेल के नीचे आप आएंगे तो आएगा एडिशनल सेटिंग, तो यहां पे सारी सेटिंग्स आएंगी। डोमेन लॉक ऑन है तो ये ऑन जब तक रहता है तब तक कोई इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। एक्चुअली जैसे अपन MNP करते हैं एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में, ऐसे आप आपका डोमेन भी ट्रांसफर कर सकते हो गोडैडी से बिगरॉक में या बिगरॉक से खरीद के यहां पे। तो वो ट्रांसफरिंग की एक अलग प्रोसेस होती है पूरी, तो आप आराम से इस पे जाके ट्रांसफर कर सकते हो। आपको लग रहा है कि यार बिगरॉक अच्छा प्राइस दे रहा है तो इस डोमेन को उस पे ट्रांसफर करके सारी फैसिलिटी बिगरॉक से यूज करें, तो वो सारी चीजें भी आप कर सकते हो। बट आपको क्लिक करना है मैनेज DNS पे, क्योंकि ये जो हमारा डोमेन है ये है गोडैडी का, और जो हमारा बिगरॉक है उसके अंदर हमने लिए होस्टिंग। तो बिगरॉक के अंदर मैनेज ऑर्डर में आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आएगा आपका होस्टिंग का पूरा अकाउंट। तो आपने होस्टिंग खरीदी है बिगरॉक से, डोमेन खरीदा है गोडैडी से, तो देखिए यहां पे आ रहा है मैंने लिनक्स की होस्टिंग खरीदी है। तो होस्टिंग पे आने के पहले आपको चीजें बताता हूं। तो डोमेन में आपको क्लिक करना है मैनेज DNS। अब आप बोलोगे यार ये DNS क्या होता है, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। तो DNS ये होता है कि जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमें पता है उसका नाम, हमें उसकी ये IP नहीं पता। तो जो भी वेबसाइट होती है वो एक पर्टिकुलर सर्वर पे चलती है, एक कंप्यूटर पे चलती है, और उस कंप्यूटर का IP एड्रेस पता होना जरूरी है। तो यही सारी चीजें मैंने DNS वाले वीडियो में बनाई है, तो अगर आपको DNS समझना है तो वो वीडियो देख लीजिए। तो आपका जो डोमेन है वो आपको मैनेज करना है DNS के थ्रू। तो डोमेन एक मेन चीज होती है, अगर आपको किसी की वेबसाइट हैक करना है तो बस आपको उसका डोमेन का जो अकाउंट होगा GoDaddy का बिगरॉक का, वो आप हैक कर लीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपके पास डोमेन आ जाएगा। तो आप उसको किसी भी आपकी खुद की होस्टिंग खरीद के उस डोमेन पे उस पर पॉइंट करके आप चेंज कर सकते हो उसकी साइट का कंटेंट। तो डोमेन जो होता है वो मेन होता है, होस्टिंग तो आप किसी से भी कहीं भी ले लो, जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे इस डोमेन को इस होस्टिंग से तब तक ये काम ही नहीं करेगी। तो जैसे अभी मैं इसको ओपन करता हूं sidtalk.in, तो देखते हैं क्या आता है। तो बाय डिफॉल्ट ये GoDaddy का कुछ लैंडिंग का पेज आएगा जो बाय डिफॉल्ट इन लोगों ने रखा हुआ है। तो यहां पे देखिए यार द रिसोर्सेज हैज बीन रिमूव्ड, पता नहीं क्या क्या चीजें आ रही है क्योंकि अभी मैंने कुछ कनेक्ट ही नहीं करा है। तो अब मैं जाता हूं यहां पे DNS मैनेजमेंट पे, तो देखिए यहां पे अलग अलग चीजें आती हैं, टाइप्स आते हैं, रिकॉर्ड्स आते हैं। तो अभी ये चीज पे आते हैं, उसके पहले आपको बताता हूं एक सबसे मेन चीज होती है जो आपको समझना जरूरी है जब भी आप डोमेन खरीदते हैं, होता है नेम सर्वर। जहां से भी आप डोमेन खरीदेंगे नेम सर्वर का वो ऑप्शन जरूर देगा, और बाय डिफॉल्ट वो उसी का नेम सर्वर डाल के देता है जिसका आपने जहां से आपने डोमेन खरीदा है। तो अगर आप GoDaddy से ही होस्टिंग खरीदते तो हो सकता है कि यही नेम सर्वर काम आ जाता, तो आपका होस्टिंग डोमेन दोनों ऑटोमेटिकली आपको कनेक्टेड मिलती। बट अगर और किसी वेंडर से आप लेते हैं तो आपको ये चीज चेंज करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे यार नेम सर्वर चेंज करना है तो ठीक है, लेकिन मैं चेंज पे क्लिक करके यहां पे डालूंगा क्या?
तो यहाँ पे जो नेम सर्वर डालना है वो आपका बताएगा होस्टिंग प्रोवाइडर। तो आप होस्टिंग में जाएंगे तो देखिए sidtalk.in अपन ने होस्टिंग खरीदी है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा बिगरॉक का पैनल है। तो सबके अलग अलग पैनल होते हैं, जैसे गोडैडी का इस तरह का पैनल है तो बिगरॉक का इस तरह का पैनल है। तो यहाँ पे देखिए उसने बता दिया डोमेन आपका नहीं है, अगर आप डोमेन भी इसी से खरीदते तो यहीं पे वो सारे ऑप्शन आते जो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो ये तो अपन ने खरीदा ही नहीं है, तो वो बोल रहा है आप ट्रांसफर कर सकते हो, तो आप चाहो तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकते हो, बट नीचे आप आओगे तो यहाँ पे अपन ने ली है होस्टिंग, तो होस्टिंग की सारी चीज़ें आ रही हैं। तो जहाँ से भी आप होस्टिंग लेते हैं वो आपको देते हैं नेम सर्वर डिटेल्स, आप इस पर क्लिक करेंगे तो बकायदा आपको वो बताएगा भाई ये नेम सर्वर है, ये दो नेम सर्वर हम आपको दे रहे हैं जो कि आपके डोमेन पे आपको ऐड करना है, सेव करना है, ताकि जब भी पूरी दुनिया में ये डोमेन खोले तो वो इस नेम सर्वर तक आए और ये नेम सर्वर आपको बता देगा इस सर्वर की आईपी क्या है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे अपडेट करना जरूरी है। तो जैसे यहाँ पे अभी जैसे देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट गोडैडी ने जो भी इनके नेम सर्वर ऐड करे हैं उसके थ्रू तो साइट हमारी खोली नहीं रही है। तो अगर हम यहाँ पे चेंज पे जाते हैं, इसके कस्टम पे आते हैं, तो यहाँ पे ये पूछेगा नेम सर्वर, तो जहाँ से भी आप होस्टिंग लेंगे वो कॉपी पेस्ट कर दीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना है और आपकी कनेक्शन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो जो भी ये डोमेन खोलेगा इस नेम सर्वर के थ्रू उस सर्वर तक पहुंच जाएगा जिस सर्वर पे आपने होस्टिंग खरीदी है, और उस सर्वर पे आप आपकी फाइल्स रखोगे कोडिंग वाली, जो आपको होम पेज होता है, लैंडिंग पेज होता है, वो सारा यह सर्वर से खुल के आएगा। सो गाइस इसको रिफ्रेश करेंगे तो नीचे आप आओगे तो नेम सर्वर में देखिए ऑटोमेटिकली मेरे नेम सर्वर अपडेट हो गए। तो अब ऑटोमेटिकली जब भी मैं मेरा डोमेन खोलूंगा, और ये जो अपडेशन होता है ना इसमें टाइम लगता है, टाइम क्यों लगता है वो देखने के लिए भाई डीएनएस वाला सर्वर देख लो, वो वाला वीडियो देख लो, उसमें समझाया कैसे ये रिजॉल्व होता है। क्योंकि हम जो ह्यूमंस हैं हमको वेबसाइट का नाम रटा होता है, हमको आईपी रटी नहीं होती। तो जब भी मैं ये चीज लिखूंगा godaddy.com sidtalk.in, तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे जो भी सर्वर पे सेव होगा मैप होगा आईपी, उससे वो कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी पुराने नेम सर्वर पे मैप होगा तो 24 से 48 आवर्स लगते हैं, धीरे धीरे अपडेट होता है, तो सारे जितने और सर्वर्स होंगे जो जो डीएनएस सर्वर देते हैं वो उनके अपडेट होते होते 24 से 48 आवर्स लगते हैं ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद। तब जाके जब आप खोलोगे आपकी वेबसाइट तब वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगी आपकी नई होस्टिंग से, तभी वो नई होस्टिंग पे जो आप फाइल्स रखोगे वो उससे दिख पाएंगी। तो एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पिंग आपका डोमेन का नाम, उसके बाद एंटर करते हैं तो यहाँ पे आती है आईपी। तो ये जो आईपी आ रही है ये निकल के आई है नेम सर्वर के बाद उस सर्वर से। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि ये जो आईपी आ रही है ये मेरे पुराने नेम सर्वर की है कि नए नेम सर्वर की है, क्योंकि टाइम लगता है देखते इंस्टेंट अगर हुआ है कि नहीं। वो देखने के लिए सिंपल प्रोसेस ये है, जहाँ से भी आपने ये खरीदा है ये आपको आईपी देता है। तो मैनेज वेब होस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है एक पूरा cPanel खुलता है। एक्चुअली पैनल मतलब ये होता है कि आप जो चीज़ें ऐड करोगे, आपकी फाइल्स डालोगे, वो सब यहाँ से अपलोड होंगी, तो वो भी आपको बताता हूँ आराम से सारी चीज़ें। तो यहां पे आप आइए सर्वर इंफॉर्मेशन पे, तो cPanel के अंदर सर्वर इंफॉर्मेशन में दिखाएगा वो आईपी। तो देखिए शेयर्ड आईपी जो सर्वर की आ रही है वो आ रही है 209 वाली, और जो अभी मैं पिंग कर पा रहा हूं वो हो रहा है 184 वाली से। मतलब अभी अगर कोई भी ये डोमेन खोलेगा तो मेरी अभी पुरानी होस्टिंग, पुराना जो भी नेम सर्वर था वहां से कनेक्ट होगा। तो 24 से 48 आवर्स लगते हैं, आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं जब भी साइट माइग्रेट्स होती है एक सर्वर से दूसरे सर्वर में तो उनको टाइम लगता है 1 से 2 दिन का, मैक्सिमम 1 डे मान सकते हो, 24 आवर्स लगते हैं सारे जितने डीएनएस सर्वर है जो बताते हैं कि इस डोमेन का इस नाम के अंदर कौन सी आईपी मैप है। तो अगर आप ये चेंज करते हो तो उसमें टाइम लगता है सारे सर्वर्स में अपडेट होने में। तो वही चीज है, ये जो आईपी आ रही है ये आ रही है गोडैडी की। अगर आप इसको और वेरीफाई करना चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं, तो किसी भी वेबसाइट पर जाइए, वो आईपी पेस्ट कर दीजिए, आईपी लुकअप कर दीजिए, तो यहां पर वो बता देगा बॉस कि ये जो आईपी है किसकी है। तो देखो ये वाली आईपी आ रही है गोडैडी की। तो अभी मेरा अपडेट नहीं हुआ है, अभी मेरी साइट नहीं खुलेगी, अभी ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, धीरे धीरे करके वो अपडेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस इतना ही करना रहता है, जब भी आप डोमेन खरीदते हैं आपको नेम सर्वर आपके होस्टिंग का डालना रहता है। अब होस्टिंग के अंदर जो भी चीज आप डालोगे ऑटोमेटिकली वो आपकी वेबसाइट पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी। अब गाइस ये तो बात हो गई सिंपल नेम सर्वर की, बट आपको और चीजें सीखना है तो बहुत सारी चीजें होती है। रिकॉर्ड्स के अंदर आप जाओगे ना तो डीएनएस रिकॉर्ड्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। ए रिकॉर्ड होता है, उसके बाद सी नेम रिकॉर्ड होता है, कैनोनिकल नेम, उसके बाद नेम सर्वर तो हमने देख ही लिया। उसके अलावा आप ऐड पे क्लिक करोगे तो यहां पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, MX रिकॉर्ड, TXT रिकॉर्ड, AAA रिकॉर्ड। तो ये सारे रिकॉर्ड क्या होते हैं अब मैं आपको ये बताता हूँ। तो देखो गाइस हमने वेबसाइट तो बना ली, लेकिन वेबसाइट के अंदर आपको पता है कि जैसे मैंने sidtalk.in है तो sidtalk.in डायरेक्ट खोलूंगा तो डायरेक्ट अलग खुलेगी। अगर मैं चाहूँ उसको www.sidtalk.in खोलना है तो मुझे उसका एक cname बनाना पड़ेगा, या फिर उसमें ऐड करना पड़ेगा कि कोई www भी लगाता है मेरे डोमेन के आगे तब भी वो मेरी वेबसाइट ही खोल दे। अब यहाँ पे आपको समझ ये नहीं आ रहा होगा कि ये @ क्या है। तो @ एक्चुअली है ये कि यहाँ पे GoDaddy खुद बोलता है कि अगर आप @ लगाते हो पे उसका मतलब होता है आपका खुद का डोमेन नेम।
मतलब ये होता है @ का कि आपका जो डोमेन नेम है वही, तो एक तरह से वाइल्ड कार्ड बोल सकते हो। तो अगर कोई www का मैंने एक सी नेम बना दिया, कैनोनिकल नेम, जो मेरा डोमेन है उसके आगे का जो सब डोमेन, इसको सब डोमेन तो नहीं बोलेंगे, अब www.e. आपको कुछ खोलना है, तो यहाँ पे आपको एक ऐड करना पड़ेगा सी नेम। अब देखो सी नेम और ए रिकॉर्ड दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, थोड़ी सी अलग अलग काम करती है। ए रिकॉर्ड होता है एड्रेस का रिकॉर्ड पॉइंट करना कि भाई इस सब डोमेन पे डायरेक्टली इस आईपी पे पॉइंट कर दो। ऐसा भी कर सकते हो कि आपने डोमेन तो खरीद लिया लेकिन आप चाह रहे हो सब डोमेन और किसी सर्वर पे बनाऊं, तो उसकी सर्वर की आईपी अलग रहती है, तो आपको ए रिकॉर्ड डालना पड़ता है। ऐसे तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, आपको बिल्कुल लाइव एग्जांपल दिखाता हूं sidtalk.com का। तो देखो एक्चुअली क्या है, sidtalk.com कोई डायरेक्ट खोलेगा तो मेरे सर्वर की आईपी लगी हुई है डायरेक्टली इस सर्वर से, ए रिकॉर्ड से मेरा sidtalk.com इस पर रिजॉल्व हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इस सर्वर के अंदर जो भी फाइल्स होंगी आपको दिख जाएंगी। लेकिन अगर मैं चाहूं इसका FTP यूज करना या चाहूं कि भाई www के साथ भी मैं खोलूं तो sidtalk ही खुले, तो या तो एक चीज कर सकता हूं कि सी नेम के अंदर मैं लिख दूं www और बोल दूं वो एलियास है। सी नेम मतलब कैनोनिकल नेम, यहां पे जो भी डोमेन का नाम डालोगे उसका वो ऑटोमेटिकली कैनोनिकल हो जाएगा, कि अगर उसके आगे आप वो लगाओगे तो ऑटोमेटिकली इस डोमेन के अंदर जो भी आईपी पॉइंट होगी उस पर वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसके अंदर जो आईपी पॉइंटेड है वो ये है क्योंकि यहां ए रिकॉर्ड है, तो मेन जो होता है वो होता है ए रिकॉर्ड, उसके बाद होता है सी नेम रिकॉर्ड। सी नेम क्या करता है, मान लो आपने इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाने, मान लो आपको www है, उसके बाद 10-15 और 20 सब डोमेन है अलग अलग, तो आप अगर ए रिकॉर्ड बनाते हो, ए रिकॉर्ड भी बना सकते हो सी नेम भी बना सकते हो, तो अगर ए रिकॉर्ड बनाते हो तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ए रिकॉर्ड के अंदर आपको डालना पड़ेगा आपको सिंपल www, उसके बाद यहां पे आपको देनी पड़ेगी आपकी आईपी एड्रेस और ये भी सेम उसी तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर आपने 10-15 बना दी और आपको माइग्रेट करना है साइट और किसी सर्वर पे, तो आपको इन सबके अंदर एक एक जगह जाके आपको आईपी चेंज करनी पड़ेगी। बट अगर आपने बस लिख दिया sidtalk.com की ये आईपी है, बाकी आपने सी नेम बना दिया और सबके सी नेम में एलियास बता दिया कि भाई sidtalk.com के अंदर जो आईपी होगी उसमें ऑटोमेटिकली चेंज करवाओ, कन्वर्ट कर दो, तो सी नेम आप बनाओगे तो आप यहां पे ये बच जाओगे जब आप सर्वर चेंज करोगे तो आपको बस यहां पे 2 जगह या 1 जगह आईपी चेंज करना है, तो ऑटोमेटिकली सबकी आईपी चेंज हो जाएगी। क्योंकि यहां पे तो अपन ने ये बोला है कि www खुले तो sidtalk.com की आईपी पे रिजॉल्व करो, sidtalk.com की आईपी का एक अलग रिकॉर्ड है, तो ऑटोमेटिकली यहां पे जो आईपी होगी उससे रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये चीजें भी होती हैं, सी नेम, ए रिकॉर्ड, एमएक्स होता है मेल रिकॉर्ड। तो जैसे वो बोल रहा था कि हम मेल दे देंगे, तो जब वो मेल उससे खरीदोगे तो वो बोलेगा भाई एमएक्स रिकॉर्ड के अंदर मेरा ये सर्वर यहां पे डाल दो, ये प्रायोरिटी डाल दो, और उसके बाद आपका मेल जो है आपके डोमेन के थ्रू उनके थ्रू चला जाएगा। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, डोमेन आपके पास आ गया तो वो डोमेन को कैसे मैनेज करना है, कैसे ओपन करवाना है, कहां एफटीपी पे यूज करना है, कहां मेल पे यूज करना है, उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। एक टीएक्सटी रिकॉर्ड और होता है, ये चीजें बहुत सारी बहुत डीप हो जाएंगी अगर मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो टीएक्सटी रिकॉर्ड में डीकेएमआई रिकॉर्ड्स बन सकते हैं, एसपीएफ रिकॉर्ड्स बन सकते हैं, तो अभी आपको हाल फिलहाल चीजों की जरूरत नहीं है। बट अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे, तो इन सब की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नेम रिकॉर्ड पे चेंज करना है, नेम सर्वर जो होता है वो चेंज करना है बस आपको, और आपकी होस्टिंग कन्वर्ट हो जाएगी। बट अगर आपको सीखना है तो जितनी चीजें मैंने बताई एक एक करके सर्च करो, व्हाट इज सी नेम, व्हाट इज ए रिकॉर्ड, तो आपको आराम से दिख जाएंगे। तो इतने सारे रिकॉर्ड्स होते हैं डीएनएस के जो एक पर्टिकुलर डोमेन पे आप लगा सकते हो, सब अलग अलग काम करते हैं। जैसे ए पे आएंगे तो IPv4 मैप करते हैं ए रिकॉर्ड में, 4x A जो होता है उसमें IPv6 ऐड होती है, उसके बाद आपके सी नेम में कैनोनिकल नेम रिकॉर्ड होता है, इतने सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। तो मेन आपका डोमेन होता है, वो डोमेन को कौन कौन से रिकॉर्ड में कहाँ कहाँ रिजॉल्व करवा रहे हो, किस किस सर्वर की आईपी पे, वो सब मेन करता है। तो आपका डोमेन मेन है, होस्टिंग कहीं से भी ले लो, कुछ भी चीज़ें कहीं से भी ले लो, बस आपको ये मैपिंग करना है और ये सब इन रिकॉर्ड्स के थ्रू होती है। अलग अलग रिकॉर्ड्स आपको अलग अलग काम में आते हैं, तो आप अगर सर्च करोगे DNS रिकॉर्ड्स टाइप्स तो उसमें आपको आराम से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप और समझना चाहते हो तो ये चीज़ें कर सकते हो, बट अगर आप बेसिक लेवल पे हो तो आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आइए, नेम सर्वर पे आइए, कहीं से भी आप लेंगे नेम सर्वर के वो ऑप्शन देगा चेंज करने का, और जहां से भी आप होस्टिंग लेंगे वो देगा इस होस्टिंग का नेम सर्वर। यहां से कॉपी करिए, यहां पे पेस्ट करिए, अब आपका ये जो डोमेन है ये इस नेम सर्वर से पॉइंट हो गया, मतलब अब मैं ये वेबसाइट जब खोलूंगा तो ऑटोमेटिकली इस सर्वर पे खुलेगी। अब गाइस यहां पे तो मैंने बताया था कि GoDaddy से मैंने डोमेन खरीदा और यहां से मैंने बताया कि भाई वेबसाइट जो है वो मैंने वेब होस्टिंग यहां से खरीदी। अब मैं एक चीज और बता देता हूं, मैंने एक डोमेन जो मेरा sidtalk.com मेन डोमेन है वो बिगरॉक से ही खरीदा हुआ है। तो मैं अब अगर आपको बताऊं यहां पे देखिए, तो जब आप आते हैं यहां पे तो यहां पे अपने जो मेन .in वाला अकाउंट है वो अलग है, मेरा ये अकाउंट अलग है, तो यहां पे सारी चीजें आती, कॉन्टैक्ट डिटेल, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, नेम सर्वर, तो यहां पे भी इस डोमेन का नेम सर्वर है। यहां पे मैं क्लिक करूंगा तो मैंने अभी जो मेरा डेडिकेटेड सर्वर है क्लाउडवेयर लगा के रखा है तो उसके नेम सर्वर्स लगाए हुए हैं, तो ये ऑटोमेटिकली क्लाउडवेयर पे जाता है। वो सारी चीजें भी मैं 10th वीडियो में बताऊंगा क्लाउडवेयर क्या होता है, नेम सर्वर से कैसे वो हेल्प करता है। लेकिन अभी इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो इस डोमेन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी वो सब ऐड कर सकते हो, नाम, एड्रेस, सारी चीजें आती हैं, हर एक वेबसाइट को अपना बताना पड़ता है एड्रेस, सारी चीजें। और ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन ये होता है कि जो मैंने यहां पे एड्रेस दिया, नाम दिया, वो कोई देख ना पाए, तो उसके लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो ऑटोमेटिकली एक वेबसाइट होती है
who.is, यहाँ पे आप जाएंगे, जिस भी डोमेन का, जिस भी वेबसाइट का नाम लिखेंगे उसने उस वेबसाइट पे क्या एड्रेस लगा के रखा है, क्या उसने फ़ोन नंबर लगा के रखा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ किसी की भी आप लिखें, जैसे अपन google.com देखते हैं तो उनने क्या एड्रेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो बताएगा सारी चीज़ें, भाई रजिस्टर कब हुई है वेबसाइट, उसके बाद एक्सपायर कब होने वाली है, इसके नेम सर्वर तक बताएगा कि इनके क्या क्या नेम सर्वर लगा के रखे हैं इन लोगों ने, इससे आपको इनकी आईपी मिल जाएगी। तो इन आईपी पे google.com होस्टेड है। उसके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आता है भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एड्रेस क्या है। तो हर वेबसाइट का आप इस वेबसाइट पे आके देख सकते हैं who.is। और ये जो चीज यहां पे दिख रही है इसको हाइड करने के लिए आपको देना पड़ेगा पैसा। जैसे मेरी दूसरी वेबसाइट है fast2sms.com, तो मैं fast2sms.com पे क्लिक करूंगा यहां पे, तो देखिए यहां पे सारी चीजें बताएगा, नेम सर्वर भी बताएगा, सब बताएगा, लेकिन यहां पे देखिए प्राइवेसी प्रोटेक्शन आ रहा है, तो आप मेरा एड्रेस, मेरा फोन नंबर नहीं देख पाएंगे जब तक मैंने उसको पैसा दिया हुआ है। तो वो चीज होती है प्राइवेसी प्रोटेक्शन में। इसमें बंद है अभी sidtalk.com में, तो अगर यहां पे आप और पैसा दोगे तो आपका जो एड्रेस है, आपने जो फोन नंबर्स दिए हुए हैं, वो छुप जाएंगे, लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे लोग उसके साथ, तो ऐसे कोई सर्च करके आपके वेबसाइट का नंबर आप तक नहीं पहुंच पाएगा, तो उसके लिए प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपको देना पड़ता है। तो ये गाइस बहुत सारी चीजें होती है, डोमेन खरीदने के बाद भी बहुत सारी चीज होती है, थेफ्ट प्रोटेक्शन देते हैं, बहुत सारी चीजें देते हैं, चाइल्ड नेम सर्वर होते हैं। तो अभी तो बिल्कुल बेसिक चल रहा है अपना, तो अपन नेम सर्वर पर फोकस करते हैं। तो ये मैंने दिखाया कि अगर बिगरॉक से आप खरीदोगे तो इस तरह का पैनल मिलेगा, और अगर गोडैडी से खरीदोगे तो इस तरह का पैनल मिलेगा, जिसमें आपको जो डोमेन है वो पूरे इस तरह से पूरी आराम से सेटिंग्स मिलेंगी। तो सबके अलग अलग पैनल्स हैं। तो जैसे अपने पास होस्टिंग अपन ने कनेक्ट कर ली है, अब यहां पे एडमिन डिटेल्स पे जाएंगे तो यहां पे बकायदा मुझे बताया जाएगा यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, और यहां पे मुझे लॉगिन करना है। तो मेरी जो वेबसाइट की होस्टिंग है यहां पे मुझे, मैं लॉगिन करूंगा इस पासवर्ड यूजर नेम के साथ, तो मुझे एक पूरा पैनल मिलेगा जिससे मैं मेरी वेबसाइट पूरी मैनेज कर पाऊंगा। तो मैनेज वेब होस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो यहां बिगरॉक से तो आपका एक पूरा यहां पे खुल जाएगा, cPanel आ जाएगा। तो ये जो है ये पूरा cPanel होता है, जहां से आप सारी चीजें मैनेज करते हैं। यहां पे आपकी फाइल्स आप अपलोड करेंगे, एफटीपी के अकाउंट्स बना पाएंगे, उसके बाद सारी चीजें यहां पे बताई जाएंगी, सर्वर इंफॉर्मेशन में बता देंगे पीएचपी का वर्जन कौन सा है, आपको क्या क्या मिला, आप डेटाबेस भी यहीं से क्रिएट करेंगे, तो सारी चीजें यहीं से होंगी। और जो मैंने आपको बताया था ईमेल्स आप बना सकते हो, तो ईमेल आप वहां से ले लो अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है, नहीं तो ईमेल अकाउंट्स पे आओ। अब देखो आपकी खुद की होस्टिंग है तो आप उस होस्टिंग पे कुछ भी कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जिस भी, जैसे sidtalk.in में मुझे एक ईमेल बनाना है sid@sidtalk.in, तो यहां पे मैं sid लगाऊंगा, यहां पासवर्ड लिख दूंगा कुछ भी, या जनरेट करवा देता हूं कुछ भी पासवर्ड में, और उसको यूज कर लूंगा। तो ऑटोमेटिकली अब मैं इस पर अगर अनलिमिटेड स्टोरेज देके क्रिएट अकाउंट कर दूंगा, तो अब मेरी ये मेल आईडी बन गई sid@sidtalk.in। अब ये मेल आएंगे, लोग भेजेंगे तो वो मुझे कहाँ मिलेंगे, इनका खुद का एक क्लाइंट रहता है एक्सेस वेब मेल, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपके मेल्स यहाँ पे आएंगे। चाहे तो इसको आप फॉरवर्ड कर सकते हो आपके जीमेल वाले अकाउंट में, ताकि कोई भी यहाँ पे मेल भेजेगा तो ऑटोमेटिकली आपके जीमेल अकाउंट पे मेल आ जाएंगे, तो आपको यहाँ तक इनके पैनल में आके मेल्स नहीं देखने पड़ेंगे। तो ये चीज़ भी यहाँ से आप कर सकते हो। तो ईमेल आप बना सकते हो, डेटाबेस बना सकते हो, फाइल्स बना सकते हो, तो देखिए बहुत सारी चीजें आती हैं। अब ये सारी चीजें होती हैं cPanel के अंदर। तो अगर आप गूगल करते हैं cPanel, लर्न cPanel, या ऐसे भी आप वीडियोस देखते हैं बहुत सारे, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, एक एक चीजें के अंदर जाएंगे तो पूरी एक चैनल बना सकता हूं मैं कैसे सारी चीजें काम करती हैं। बट जो अपने अभी काम की चीजें हैं वो सब अपन करेंगे। तो जैसे फाइल मैनेजर पर आप जाते हो तो फाइल मैनेजर के अंदर आएंगी फाइल्स। तो फाइल मैनेजर पर क्लिक करोगे तो इस तरह का cPanel खुलेगा, इसमें अलग अलग फोल्डर्स आएंगे, etc, लॉग, मेल, एफटीपी, बहुत सारे फोल्डर्स आएंगे। आपको जो मेन काम करना है वो करना है public_html के अंदर। तो इसके अंदर जो भी आप फाइल लिखोगे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जब भी कोई भी आप वेबसाइट का नाम ओपन करते हैं तो यहां पे ये चीज खुलेगी। तो ये जो चीज आ रही है देखिए वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब मेरा जो है बिगरॉक से ये हो गया है। तो अगर मैं इसको वापस से पिंग करूंगा तो मुझे लग रहा है नई सर्वर की आईपी आएगी। तो हां देखिए 209 वाली आईपी आने लगी, तो मेरा डीएनएस रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। तो अभी मेरे कंप्यूटर में भी अपडेट हो गया, जिस भी ब्रॉडबैंड का मैं यूज कर रहा हूं, धीरे धीरे 24 आवर्स में सारे जितने लोग यूज कर रहे हैं आईएसपी अलग अलग सबका अपडेट हो जाएगा। तो अब मेरी साइट पूरी दुनिया में कोई भी खोलेगा तो बिग रॉक के सर्वर पे पॉइंट हो गई है। अब आप सोच रहे हो यार ये कहां से लिखा, किसने लिखा, तो देखिए public.html में ओपन करूंगा तो यहां पे जो चीजें होती है वो यहां पे खुलती है। तो ये index.html एक होता है इंडेक्स, आपको इसी नाम से बनानी पड़ेगी फाइल आपकी होस्टिंग के अंदर। index.php बना लीजिए, index.html बना दीजिए, जो बाय डिफॉल्ट खुलती है विदाउट यहां पे टाइप करें index.html, तो बाय डिफॉल्ट वही फाइल खुलेगी जब भी आप कोई वेबसाइट खोलोगे और उसके अंदर जो कंटेंट होगा वो यहां पे दिखेगा। तो जैसे इसको मैं एडिट करता हूं तो देखिए यहां पे क्या आता है, तो यही सारी चीज आएंगे। देखिए दिस वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन ऐसे ही लिखा होगा सारा, देखिए ये पूरा HTML की कोडिंग है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन समझेंगे फ्रंट एंड क्या होता है, HTML क्या होता है, सारी चीजें, तो अभी ज्यादा फोकस मत करिए। तो यहां पे सब लिखा हुआ है, देखिए दिस वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, कम बैक सून। यहां पे अगर मैं कुछ चेंज कर देता हूं, कुछ भी लिख के सेव कर देता हूं, तो ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाएगा मेरी index.html वाली फाइल में। और ये सेव होने के बाद अब जब मैं मेरी वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा तो भैया वो कंटेंट आ गया यहां पे।
तो अब ये अपना होस्टिंग डोमेन सब मैप हो गया है। अब बात आ रही है अपनी फाइल्स की, कोडिंग की। जो भी आप कोडिंग लिखेंगे, फाइल लिखेंगे, यहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी। और बाय डिफॉल्ट कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसका बाय डिफॉल्ट पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंदर बहुत सारे आपको फोल्डर मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन इसी के अंदर आपको जो भी आप index.php लिखोगे, index.html फाइल का नाम आपको बनाना पड़ेगा, वही फाइल ऑटोमेटिकली खुलेगी। अब जैसे यहाँ पे मैं और कुछ फाइल बनाता हूँ, s.sid.php बनाता हूँ। चलिए तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बना दी sid.php। यहाँ पे अपन कुछ भी इसमें एडिट कर लेते हैं, कुछ भी कोडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे छोटी सी मैंने कोडिंग कर ली है हेलो वर्ल्ड की एको करके, तो इसको मैंने सेव कर दिया। PHP के कमांड्स होते हैं वो अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग होते हैं। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा तो बाय डिफॉल्ट मेरी index.html ही खुल रही है, सिड वाली नहीं खुल रही। तो मुझे अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा sid.php, इसको खोलूंगा तो ऑटोमेटिकली देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया मेरा। तो ऐसे करके अलग अलग फाइल्स बनेंगी, अलग अलग फोल्डर्स बनेंगे और पूरी वेबसाइट यहाँ से डेवलप होगी। तो ये cPanel के थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो ऐसे खुलती हैं। तो गाइस कुछ भी आप फाइल्स बनाएंगे किसी भी कोडिंग में, PHP में, HTML में, तो यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी फाइल्स यहाँ पे अपलोड करेंगे आप zip फाइल, उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपकी सारी कोडिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो जब भी कोई वेबसाइट ओपन करेगा तो आपके इस डोमेन से उस होस्टिंग तक जाएगा और उसके बाद वो वहाँ से वहाँ तक चला जाएगा। अब देखिए 404 फाइल नॉट फाउंड आ गया, क्योंकि ये फाइल मैंने डिलीट कर दी सर्वर से। अब आप बोलोगे फिर ये कैसे आ गया, इसकी तो कोई फाइल ही नहीं है। तो ये चीज भी सेव रहती है कि भाई अगर ऐसी फाइल्स ना मिले तो ये चीज दिखाओ। अब ये चीज कैसे चेंज करते हैं, ये भी cPanel के अंदर आती है, आपको सिंपल तरीका समझाता हूं। देखिए यहां पे बहुत सारी चीजें आती हैं, तो यहां पे आप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, एक एक चीजें आपको समझना पड़ेगी। इसमें एक चीज आती है, मेरे को मिल जाए अगर तो आपको बताता हूं, एरर पेजेस। देखिए यहाँ पे आ रहा है एडवांस के अंदर एरर पेजेस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एरर पेजेस के अंदर जाएंगे तो एक अलग अलग टाइप के एरर्स होते हैं। जैसे 400 होता है बैड रिक्वेस्ट का, 401 होता है अथोराइजेशन रिक्वायर्ड, 403 फॉरबिडन। तो नॉट फाउंड के लिए एक एरर बनता है, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बनता है अपैचे से। अब आप बोलोगे अपैचे क्या होता है, तो भाई अपैचे इंजन एक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। तो अभी बिल्कुल अपन बेसिक समझ रहे हैं, तो सिंपल ये समझो जब कोई फाइल नहीं मिलती किसी सर्वर पे तो 404 एक एरर क्रिएट होता है। तो ये जब भी एरर क्रिएट होगा तो यहाँ पे आप जो लिखोगे फिर वही आ जाएगा। तो अगर आप यहां पे लिख दोगे सर्वर नेम, ये चलो ये तो आप बहुत चीजें हो जाएंगी, यहां पे लिख देते हैं हेलो। तो मैंने यहां पे लिख दिया हेलो, हेलो करके इसको मैं यहां पे सेव कर दूंगा। तो अब देखिए जब भी कोई फाइल नहीं मिलेगी मेरे सर्वर पे, जैसे ये था, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे जो ये चीज़ आ रही थी ये बाय डिफॉल्ट आ रही थी, क्योंकि उस फाइल के अंदर वो सारी कोडिंग बाय डिफॉल्ट उन्हें करके रखी थी। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये एरर हिट होगा 404, और मैंने वहां बोल के रखा है हेलो आना चाहिए, मैंने क्लिक करा। तो देखिए यहाँ पे आ गया हेलो। तो जो भी अलग अलग कोड्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो जो भी आप वहां पे लिखोगे वो ऑटोमेटिकली अलग अलग चीज़ों के साथ हो जाएगी। तो भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप समझने जाओगे तो एक एक ऑप्शन आप समझो, उसके बाद आप वेबसाइट बनाओगे या ये चीज़ें समझा भी सकते हो, इसके ऊपर पूरी एक यूट्यूब की चैनल बना सकते हो कि भाई वेब डिस्क में क्या होता है, बैकअप में क्या होता है। तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो सिंपल बात यह है, अब आपको डेटाबेस बनाना है। तो देखिए डेटाबेस होता है MySQL। अब आपको नहीं पता डेटाबेस क्या होता है, MySQL क्या होता है, तो गूगल करिएगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो MySQL के डेटाबेस में ही हमारी सारी चीजें जो है वो स्टोर होती हैं। तो देखिए बिल्कुल इसमें आप जाएंगे तो यहां पे एक डेटाबेस क्रिएट होगा। तो ये सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि वर्डप्रेस में डेटाबेस चाहिए, HTML में ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, आगे सारे वीडियोस बढ़ते जाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको समझ आने लगेंगी। तो इस तरह से आप आपका पूरा cPanel जो है वो मैनेज कर सकते हो। तो ये अभी मेरी सर्वर की IP ऑटोमेटिकली मैप हो गई है। तो पूरी दुनिया में कोई भी ये वेबसाइट खोलेगा तो उसको अभी ये पेज दिखेगा, क्योंकि मैंने अभी इसमें कोई कोडिंग ही नहीं करी, जो बाय डिफॉल्ट मुझे कोडिंग मिली थी वही सारी करके रखी है। तो गाइस ये जो cPanel होता है ये हमको खरीदना पड़ता है। एक्चुअली हुआ यह है कि हमने शेयर्ड होस्टिंग खरीदी, तो बाय डिफॉल्ट शेयर्ड होस्टिंग में फ्री में आता है हमारे पास ये cPanel। तो cPanel प्राइजेस आप गूगल करेंगे तो cPanel के प्राइजेस होते हैं। cPanel एक कंपनी है जिनने पूरा पैनल बना के दिया। एक्चुअली हुआ यह है ना कि जो आपको ये चीजें मिल रही है ना, फाइल मैनेजर, ये सर्विस, वो सर्विस, तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे अपन फेसबुक चलाते हैं वैसे सारी चीजें यहां पे चला चला के चीजें कर सकते हैं। बट बैकएंड पे ये एक लिनक्स सर्वर है, लिनक्स सर्वर के अंदर ये सारी चीजों के चलते हैं कमांड। तो ये सारी चीजें आप कमांड लगा लगा के लिख लिख के भी आप सारी चीजें कर सकते हैं, बट वो करने जाओगे तो आपको कितनी सारे कमांड रटने पड़ेंगे। तो ये कंपनी है cPanel जिसने ये सारी चीजें बना दी और बोल दिया भाई मंथली मुझे पैसा दो, मैं आपके सर्वर पर यह चीज इंस्टॉल कर दूंगा, तो आप मेरा पैनल यूज करो, सारे कमांड ऑटोमेटिक अंदर ही अंदर चल जाते हैं जैसे जैसे आप यहां पर क्लिक करते हो। तो मैनेजमेंट एक वेब सर्वर का बहुत आसान हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपको अच्छे से लिनक्स सीखना है, चीजें समझना है, तो आपको कमांड लाइन भी आना चाहिए कि ये जो चीजें यहां से हो रही हैं वो सारी चीजें आप कमांड से भी कर पाओ। सो गाइस आपको समझ आए या ना आए, फिर भी मैं एक चीज तो आपको बता देता हूं ताकि आने वाले दिनों में अगर आप चाहो तो ये चीजें समझ पाओगे। तो एक करके पुटी आता है, PUTTY, ये होता है विंडोज के लिए, या अगर आप लिनक्स या मैक चलाते हो तो उसमें SSH कर सकते हो डायरेक्टली, कमांड प्रॉम्प्ट वो लोग देते हैं। तो पुटी के अंदर आपको यहां पर डालना पड़ता है सर्वर की IP। तो यहां जो भी IP डालेंगे फिर आप एक कमांड प्रॉम्प्ट, एक सर्वर में घुस जाएंगे डायरेक्टली लॉगिन डिटेल के साथ,
और पूरा सर्वर आपका या आपको जो करना हो वो कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा लाइव डेमो देता हूँ, मेरे डेडिकेटेड सर्वर को यहाँ से कनेक्ट करते हैं। तो fast2sms.com मेरा डेडिकेटेड सर्वर है, यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट किया। उसके बाद ये पूछेगा लॉगिन, तो मेरा रूट है लॉगिन, उसके बाद मेरा पासवर्ड यहाँ पे देना है। मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिया तो मेरा सर्वर खुल गया है, जो मैंने पूरा डेडिकेटेड सर्वर लिया है। अब सारी चीज़ें अब यहाँ पे कमांड से करिए। तो जैसे अलग अलग कमांड्स होते हैं वो आपको देखना पड़ेंगे, रटना पड़ेंगे। जैसे ls-l से सारी लिस्ट आ जाती है, उसके बाद आप अपटाइम लिखेंगे तो इस सर्वर का अपटाइम कब से चल रहा है। तो ये सर्वर 74 डेज से रिस्टार्ट ही नहीं हुआ है, 74 डेज से कंटिन्यूअसली चल रहा है, क्योंकि मेरी मेन साइट इसी सर्वर पे चल रही है। तो अगर इसमें आपको रैम देखना है तो आपको एक कमांड आता है free-g करोगे तो GB में दिखाएगा। तो ये तो छोटा वाला सर्वर है मेरा डेडिकेटेड, मेरे पास बहुत सारे हैं। तो इसके अंदर शायद 16 GB की रैम है, आई थिंक, हाँ 15-16 GB की इसमें रैम है। तो ये पूरा सर्वर मेरा है, जो चाहूँ मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और इसमें जो स्पीड आती है वो मुझे 100 Mbps आती है। तो मुझे किसी वेबसाइट से कुछ डाउनलोड करना होता है तो मैं डायरेक्ट सर्वर पर ही कर देता हूँ यहाँ से कमांड चला चला के। फिर वो फाइल मुझे मेरी वेबसाइट पर मिल जाती है, फिर जब चाहूँ तब मैं मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये ज़्यादातर जो वेबसाइट्स होती हैं जो डेडिकेटेड आप खरीदोगे या VPS खरीदोगे, तो आपको कमांड से ही सारी चीज़ें मैनेज करना चाहिए, मैं चाहूँगा, क्योंकि मैंने तो लिनक्स पढ़ा हुआ है तो मुझे चीज़ें आती हैं कि कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं। मैं खुद एक रेड हैट का सर्टिफाइड इंजीनियर हूँ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें पता है। मैं चाहूँ अगर मुझे cPanel ना दिया जाए तब भी सारी चीज़ें कमांड से कर सकता हूँ। बट हाँ, अगर आप डेडिकेटेड लोगे ये करोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ये कितना पैसा लगता है भाई, $34 लगता है हर महीने का, अगर आप 1 से 10 लाइसेंसेस लेते हो। और cPanel का लाइसेंस लोगे तो $14 के आसपास लगेगा, और WHM का लोगे तो ये तो WHM cPanel के और बड़ा होता है। तो ये cPanel इस कंपनी Bigrock ने आपको दिया है, लेकिन इस सर्वर पे बहुत सारे छोटे छोटे शेयर्ड होस्टिंग बना के रखी है, सबको छोटे छोटे cPanel बना के दिए, लेकिन वो सब cPanel मैनेज होते हैं WHM से। तो cPanel के ऊपर होता है सबसे बड़ा WHM, जिसको कहते हैं वेब होस्ट मैनेजर। तो ये मेन सर्वर होता है। तो ये एक बार आपको लेना है $34 का, उसके नीचे कितने सारे आप जितने बनाना चाहो cPanel बना लो। तो सिंपल लोग क्या करते हैं, एक डेडिकेटेड सर्वर खरीदते हैं, उसके अंदर 1-1 GB के, जैसे 16 GB की मेरे सर्वर पर रैम है, मैं चाहूँ तो 1-1 GB के हिसाब से VPS बना दूँ 16, और 16 cPanel अलग अलग वेबसाइट्स को दे दूँ और मजे से बैठ के पैसा खाऊं, और सबको cPanel मिलेगा। वो सोचेंगे कि यार मेरे पास सारी चीज़ें आ गई तो यहाँ से मैं मेरी वेबसाइट मैनेज कर लूँगा। बट इसी के अंदर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, यहाँ से आप ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास WHM नहीं है, पूरे सर्वर की आपको एक्सेस नहीं है। ये जो है मेरा रूट सर्वर है, तो यहाँ पे मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, यहाँ रिस्टार्ट लिख के एंटर कर दूंगा, मेरा पूरा सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा, तो पूरी वेबसाइट्स मेरी बंद हो जाएंगी। तो ऐसी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जो cPanel है वो अगर आपके पास है तो शेयर्ड में तो बाय डिफॉल्ट वो लोग दे देते हैं, बट VPS लोगे, डेडिकेटेड लोगे, तो आपको खरीदना पड़ेगा अलग से, ताकि आप सारी चीज़ें कर पाओ। बट जितनी चीज़ें बताएं गूगल करो भाई, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे हम cPanel से जो चीज़ें करते हैं वो कमांड से कैसे करते हैं, चीज़ें बहुत सारी हैं। फ्री मत बैठो यार, फ्री का टाइम होता है फेसबुक चलाने का, ये करने का, वो करने का, चीज़ें सीखो, मज़ा आएगा। सारी चीज़ें मैंने भी सीखी हैं, और एक दिन में कभी आप चीज़ें नहीं सीख पाओगे, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। जैसे जैसे प्रैक्टिकल करोगे वैसे वैसे चीज़ें होती जाएंगी। बहुत सारी फ्री होस्टिंग है जिनने अपना खुद का एक cPanel बना के रखा है, ऐसे cPanel नहीं देंगे, फ्री वेब होस्टिंग जो होती हैं, जो फ्री में देती हैं, उनने उनके हिसाब से अलग अलग चीज़ें कस्टमाइज करी हुई है, तो वो वहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह आप आपके डोमेन को, होस्टिंग को कनेक्ट कर सकते हो cPanel से, पूरी वेबसाइट मैनेज कर सकते हो। तो अब बात आती है बॉस वेबसाइट डेवलपमेंट की। वेबसाइट डेवलपमेंट बोले तो भाई जो कोडिंग होती है, PHP HTML, जो फाइल्स आप यहाँ पर रखोगे, जिसके बाद आपकी वेबसाइट्स खुलेगी, वेबसाइट में प्रोसेस होगा, डेटाबेस में सेव होगा, सारी चीज़ें होंगी, वो होता है वेब डेवलपमेंट कॉस्ट। आप कहीं जाते हो वेबसाइट बनाने, तो उनको हर वेबसाइट के लिए ये सारी चीज़ें तो करना ही है। उसके बाद उनका बंदा बैठेगा, डेवलपर बैठेगा, कोडिंग करेगा, कोडिंग करने के बाद उसके अंदर लिखेगा सारी फाइल्स में कोड वोड, डेटाबेस कनेक्ट करेगा, और वो यहाँ ला के अपलोड कर देगा। फिर जो भी ये वेबसाइट खोलेगा उसको डायरेक्टली मिलेगी सारी चीज़ें जो उसने कोड करी है। तो लोग उसका पैसा लेते हैं। देखो, चीज़ें फ्री है, कोडिंग आपने सीख ली, सब कुछ फ्री है, बैठ के आराम से वेबसाइट बनाओ, लोगों को बेचो, पैसा कमाओ, इससे भी एक मस्त एक वो बिजनेस बना सकते हो, आपकी पूरी कंपनी बना सकते हो वेबसाइट डेवलपमेंट की। ये सारी चीज़ें हर बार करना है किसी ना किसी को, तो आप फाइवर पे डाओ या अपवर्क पे अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके लिख दो कि आई विल इंस्टॉल cPanel, आई विल कनेक्ट योर डोमेन विद होस्टिंग। इन सब का भी पैसा देते हैं लोग, क्योंकि लोगों को इतना नॉलेज नहीं है और लोग चाहते हैं कि बस बना बनाए सारी चीज़ें मिल जाए। तो यार चीज़ें बहुत सारी हैं, जैसे चीज़ें आप में घुसोगे, आपको जहाँ जहाँ जो जो इंटरेस्ट आते जाता है उस हिसाब से चलो। और इस वीडियो का मोटिव यही है, आपको बेसिकली सारी चीज़ें समझा दी जाए इस पूरी सीरीज में, ताकि छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें तो आप समझ जाओ, फिर एक एक चीज़ों को उठाओ, गूगल करो, गूगल में बहुत वीडियो मिलेंगे, बहुत वेबसाइट्स मिलेंगी, पढ़ो, समझो कि भाई वेबडिक्स में क्या होता है, बैकअप में क्या होता है, क्रॉन जॉब बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसको भी सर्च करिएगा कि क्रॉन जॉब से कैसे आप चीज़ें ऑटोमेशन में करवा सकते हैं, कैसे सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होंगी आने वाले वीडियोस में, बहुत सारी चीज़ें और हम सीखेंगे। सो गाइस, घुमा फिरा के कहीं से भी होस्टिंग खरीदो, कहीं से भी डोमेन खरीदो, बात आती है कनेक्शन की, जो मैंने आपको सिखा दी। तो इस होस्टिंग को उस होस्टिंग से कनेक्ट करना, उसके बाद उसके अंदर फाइल्स अपलोड करना। अब फाइल्स जो होती हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में होती हैं। अब ये लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं,
वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, इस तरह फाइनली हम हमारा जो डोमेन है और होस्टिंग है दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, आराम से cPanel के थ्रू हमारी फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। अब आने वाले वीडियो में देखेंगे लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं जो हमें सीखना जरूरी है अगर हमें वेबसाइट बनाना है, फिर लैंग्वेज सीख के उसकी फाइल्स हमको कैसे अपलोड करना है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है, सारी चीज़ें देखेंगे आने वाले वीडियोस में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है डोमेन होस्टिंग से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और ऐसे ही और ट्रस्टेड ऑसम वीडियोस के लिए सिड टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।